हे एवरीवन, वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएसवी फाइल्स के बारे में। मैंने एक फाइल बनाई है फाइल डॉट सीएसवी, और सीएसवी फाइल के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे सीएसवी फाइल होती क्या है, उन्हें हम राइट कैसे करते हैं, उन्हें पाइथन की हेल्प से हम रीड कैसे करते हैं, और सीएसवी फाइल पाइथन से क्रिएट कैसे करते हैं। तो ये मैंने खुद से सीएसवी फाइल बनाई है फाइल डॉट सीएसवी। ओके, अब सीएसवी का मतलब क्या है? कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़। और ये फाइल हम डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो हम टेक्स्ट फाइल भी डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, बट टेक्स्ट फाइल में कुछ भी हो सकता है। पैराग्राफ हो सकती है, पोएम हो सकती है, किसी गाने के लिरिक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, बट जो सीएसवी फाइल्स होती हैं उन्हें हम टेबुलर डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब जो डेटा आप टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हो, उस तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं सीएसवी फाइल्स। ओके, तो बात करते हैं सीएसवी फाइल्स होती कैसी हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीएसवी फाइल्स में कई सारी रोज़ होती हैं। ओके, यहाँ पे जैसे लाइन नंबर है, इनको हम रोज़ बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नेम कोमा, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल कोमा, यहाँ पे फ़ोन नंबर फ़ोन। ओके, तो ये कुछ सीएसवी फाइल कुछ इस तरह से होती हैं। ठीक है, हम कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़ लिखते हैं। जो पहली रो होती है उसे हम बोलते हैं हेडिंग, ठीक है, या फिर हेडर बोलते हैं। ओके, उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल उसके बाद मेरा डेटा, फॉर एग्ज़ाम्पल हर्षित कोमा, यहाँ पे मैं अपनी ईमेल लिखता हूँ, यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर लिखता हूँ। ओके, तो इस तरह से हम अपनी सीएसवी फाइल्स को क्रिएट करते हैं। मैं कोर डेटा लिखता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह की होती हैं कुछ सीएसवी फाइल्स। अब यहाँ पे मैंने सेपरेट किया, किससे सेपरेट किया? कोमाल से। बट यहाँ पे डेलाइमीटर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे डेलाइमीटर क्या है? कोमा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं स्टार लगा सकता हूँ, पाइप लगा सकता हूँ, कोमा की जगह कुछ भी लगा सकता हूँ, बट मोस्ट कॉमन हम यूज़ करते हैं कोमास। ओके, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़। तो ये बात की सीएसवी फाइल्स के बारे में। एक और बात गाइस, अभी आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कलर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे नेम, ईमेल और फ़ोन, तो ये अच्छी बात है, बट हो सकता है आपके वीएस कोड में ये डिफरेंट कलर नाश हो रहा हो। तो इसके लिए मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है, इसका नाम था रेनबो सीएसवी नाम से एक्सटेंशन है। आप इसको डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, ये आपकी चॉइस है। ओके, बट ये एक्सटेंशन करेगी क्या? ये एक्सटेंशन आपकी सीएसवी फाइल को कलर से सीएसवी फाइल की वैल्यूज़ को कलर से सेपरेट करेगी, ताकि आपको अच्छे से वैल्यूज़ दिखें। तो ये बात की सीएसवी फाइल्स के बारे में। अब बात करते हैं पाइथन से इन सीएसवी फाइल्स को हम रीड कैसे करेंगे। अब पाइथन से रीड करना है तो उसके लिए मेरे को एक फाइल बनानी पड़ेगी जिसमें मैं कोडिंग करूँगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई हुई है रीड सीएसवी डॉट पी वाई। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, लिखता हूँ कोड रीड सीएसवी डॉट पी वाई। तो पाइथन में सीएसवी फाइल के साथ काम करने के लिए हम एक मॉड्यूल यूज़ करते हैं, सीएसवी मॉड्यूल। और सीएसवी मॉड्यूल के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है, रीडर फंक्शन। तो हम मॉड्यूल कौन सा यूज़ करेंगे? सीएसवी मॉड्यूल। और फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे? रीडर फंक्शन। तो हम इम्पोर्ट करेंगे रीडर को, फ्रॉम सीएसवी इम्पोर्ट रीडर। तो ये रीडर फंक्शन पहले से ही पाइथन में है सीएसवी मॉड्यूल के अंदर। तो मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल एक पाइथन की फाइल होती है जिसमें काफ़ी सारी क्लासेस होती हैं, काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं। ओके, तो सीएसवी फाइल को रीड करने के लिए हम यूज़ करेंगे रीडर फंक्शन, जो कि कहाँ पे है? सीएसवी मॉड्यूल। मतलब एक फाइल है पाइथन में सीएसवी डॉट पी वाई, और उस फाइल के अंदर क्या है? एक मॉड्यूल है। सीएसवी फाइल के अंदर क्या है? एक फंक्शन है रीडर। ओके, तो सीएसवी फाइल को रीड करने के लिए या तो हम रीडर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं डिक्ट राइटर क्लास। तो डिक्ट राइटर के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी के लिए हम सिर्फ बात करेंगे रीडर फंक्शन की। ओके, तो अब रीडर फंक्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं? तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा? सबसे पहले वही काम करना है विद ओपन, और उसके बाद आपकी फ़ाइल का नाम फाइल डॉट सी एस वी,
उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे कौन से मोड में ओपन करनी है फाइल। उसके बाद एस एफ, ये किसकी तरह ट्रीट होगा, एफ ऑब्जेक्ट की तरह। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा सी एस वी रीडर। ये सी एस वी एक रीडर होगा। ओके, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रीडर नाम का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप पास कर सकते हैं एफ अपनी फाइल के ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पे बात करते हैं सी एस वी रीडर है क्या। ये सी एस वी रीडर एक इटरेटर है। तो इटरेटर के साथ क्या कर सकते हैं हम, इटरेटर के साथ हम एक लूप चला सकते हैं। अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ इस सी एस वी रीडर को, देखता हूँ ये है क्या सी एस वी रीडर, और मैं इसको रन करके देखता हूँ इस प्रोग्राम को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सी एस वी रीडर ऑब्जेक्ट और यहाँ पे लोकेशन प्रिंट हो रही है मेमोरी में जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। बट एक्चुअली में है क्या, एक्चुअली में ये इटरेटर है। ओके, और अगर मैं इसका यहाँ पे टाइप चेक करूँ, प्रिंट टाइप ऑफ सी एस वी रीडर, और अगर मैं अब इसको रन करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास मतलब कि ये आ रहा है मेरे पास, बट एक्चुअली में क्या है, इटरेटर। ओके, तो मैं इसको इटरेटर के साथ आप क्या कर सकते हो, एक लूप चला सकते हो। ओके, तो लूप कैसे चला सकते हैं हम, फॉर फॉर रो इन सी एस वी रीडर प्रिंट रो। इससे क्या होगा, देखिए अगर मैं इसको अब रन करूं, तो आप यहां पे देख सकते हैं मेरे पास तीन रो प्रिंट हो रही है। पहली रो क्या है, नेम ईमेल फोन जो कि हेडर है मेरा ये फाइल डॉट सी एस वी में। उसके बाद दो रो और प्रिंट हो रही है। ओके, तो इटरेटर था। ओके, बट आपको एक बात और पता होगी कि इटरेटर को आप एक ही बार, इटरेटर पे आप एक ही बार लूप चला सकते हैं। अगर आप दोबारा लूप चलाएंगे तो ये एक ही बार प्रिंट होगा तभी भी। ओके, मतलब आप एक ही बार लूप चला सकते हैं। अब अगर आप इसके साथ और काम करना चाहते हैं तो आप इसको लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिस्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ऐसे लिस्ट और फिर ऐसे इसको लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। बट मैं अभी लिस्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं करूँगा, मैं अभी क्या करूँगा, इसको इटरेटर की तरह ही ट्रीट करूँगा। अब बात करते हैं कि ये देखिए, अब मैं अपनी सी एस वी फाइल को रीड कर सकता हूँ बिल्कुल आसानी से। अब क्या है यहाँ पे, अभी यहाँ पे जो हेडिंग है मेरी वो भी प्रिंट हो रही है, नेम ईमेल फ़ोन। मैं चाहता हूँ ये प्रिंट ना हो, तो इसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ नेक्स्ट। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ और नेक्स्ट फंक्शन में मैं पास करा सकता हूँ सी एस वी रीडर। इससे क्या होगा, तो इससे आप देख सकते हैं मेरी जो फर्स्ट हेडिंग थी वो प्रिंट नहीं हो रही। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। अब इसके साथ आप कुछ भी काम कर सकते हैं। आपके पास क्या है, अब आपके पास दो लिस्ट हैं, अब आप इस लिस्ट के साथ कुछ भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं नेम जिनका नेम स्टार्ट हो रहा है एच से, या फिर अगर यहाँ पे किसी की सैलरी होती तो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते थे कि जिसकी सैलरी कितने से ज़्यादा है उतने की सैलरी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा आप कुछ भी काम कर सकते हैं इफ एल्स कंडीशन लगा के, इसको इसके साथ आप कुछ भी काम कर सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि सी एस वी फाइल को हम रीड कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ रीडर फंक्शन। और अब हम बात करेंगे कि हम सी एस वी फाइल को कैसे रीड कर सकते हैं डिक्ट राइटर क्लास के साथ। ओके,